खबर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से आ रही, जहां पे किसान ने एक व्यापारी पे 4 से 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगाया। पुलिस ने केवल 2 लोगों के आरोपी बनाओ है, बाकी पे मेहरबानी कर दी। भुगतान न होने से आक्रोशित किसान ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंच के हंगामा करो। विदिशा जिले के 11 तहसील के आसपास कई ग्रामीण क्षेत्र के से व्यापारी द्वारा ग्रामीणों के ठगों का ग्रामीण से अनाज की खरीदी करी गई है। चीको भुगतान 2-3 दिन में करवे को वादा करोगा तो, लेकिन उपज को भुगतान अभी तक नहीं करोगा। ई कार्ड से किसान अपने आप के ठगों महसूस कर रहे। लगभग 200 किसान ऐसे हैं जिन्हें अपनी फसल बेच दी लेकिन उन्हें भुगतान नहीं मिलो, और उनको क्या हुआ कि हम सब द्वारा बेची गई फसल की कीमत लगभग 4 से 5 करोड़ है, जिए व्यापारी द्वारा हड़प लगो। किसान से खरीदने के बाद अब व्यापारी लापता हो गए। इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने आपको आप आरोप है कि पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, सिर्फ 2 आरोपियों के आरोपी बनाओ है, बाकी पे मेहरबानी कर दी। अब ये पूरे मामला के लेके सब किसान विदिशा पहुंचे, कलेक्टर से शिकायत करी, अधिकारियों के भी दावे ज्ञापन दे के उन्होंने कही है कि ये पूरे मामला में आरोपियों पर कार्रवाई करी जाए। किसानों ने इकट्ठे होकर अपने संगे भाई धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर की मांग करी है। किसान का कह रहे हैं सुनो तक किसान की, और उनके बाद फिर कैसो का जो पूरा मामला सुन लो तनक। कहाँ से आप? बर्री। कहाँ पर ये बर्री? जी धाम 11 तहसील। क्या हुआ? गेहूँ बेच दिया हमने सेलन। किसको बेचा आपने? सेलन और मिस्टर सिंह और वे काकी थे भारत सिंह और वे बुढ़ी बाग का ना प्रकाश। गेहूँ बेच दिया, क्या हुआ फिर? गेहूँ बेच के वो बोल लेगा खरीद, वो हमरो 250 किलो कुंटल। कितने की कीमत होगा? वो 5-1 लाख को है। ऐसे में ऐसे कितने और किसान है जो प्रभावित हुए? कम से कम 40-50। शिकायत कर दी आपने? हाँ जी 40-50 के। 300 गोल होगा। नहीं अब क्या चाहते हैं? अब पैसा चाहते हैं, कार्रवाई हो मिल नहीं रहा। मामला दर्ज रिपोर्ट में कर दिया? हाँ रिपोर्ट कर दी। मड़िया धामनो। किस शिकायत को लेकर आए? हमारा किसान का माल ले गए हैं मिस्टर सिंह गुर्जर, उनके लड़के भारत सिंह भूपेन सिंह, ये सैलन जैन को रखते थे अपने घर और देहातों से अपने उस पर गारंटी पे माल उठवाते थे और सैलन जैन को दिलाते थे ये, और लेके और 1-2 दिन की कह के ले जाते थे, और आज वो पूरे फरार हो गए। कम से कम 300 किसान हैं, 4-5 करोड़ का माल ले गए, अकेली मड़िया से 1 करोड़ का माल ले गए। तो शिकायत करी आपने? शिकायत तेवंदा थाने में रिपोर्ट करवाई। आज किसके पास आए थे, क्या कहा? आज इसलिए आए थे कि थाने में मिस्टर सिंह गुर्जर और सैलन सिंह के नाम से एफआईआर लिखी है, अन्य के नाम से अन्य के नाम से लिखवा के उनको छोड़ दिए। भारत सिंह को अरेस्ट नहीं किया, भूपेन सिंह को अरेस्ट नहीं किया, उनका दमान भी है उसमें। जब वो बेचने आते थे सब ट्राली लेके आते थे, भारत सिंह भूपेन सिंह और उनका दमान, उनका मिस्टर सिंह का दमान। गुरुकुलम शिक्षा संस्थान बच्चों के संस्कारित जीवन और बेहतर भविष्य निर्माण की अभिनव प्रयोगशाला। आप हमें अपना बच्चा सौंपिए, हम आपको एक संस्कारित होशियार हुनरमंद इंसान बनाकर सौंपेंगे। CBSE बोर्ड के साथ इंग्लिश मीडियम से हम आपके बच्चों को अन्य स्कूलों के बच्चों की तुलना में बनाएंगे ज्यादा होशियार और समझदार। हम देंगे अनुभवी और दक्ष शिक्षकों के द्वारा बच्चों को व्यवहारिक और ज्ञानवर्धक शिक्षा के साथ जीवन प्रबंधन बेहतरी की जरूरी ट्रेनिंग। हमारे यहाँ पर है वेल फर्निश्ड क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, फिजिकल और विजुअल एक्टिविटीज के लिए संपूर्ण व्यवस्था, खेल ही खेल में पढ़ने का आनंद, स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, पेंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, संगीत से लेकर सनातन धर्म की मंत्र शक्तियों की शिक्षा देकर हम बनाएंगे आपके बच्चों को हर क्षेत्र में पारंगत। आपके बच्चों को देंगे ऐसा माहौल कि बच्चे हर दिन स्कूल जाने की जिद करेंगे, ना कि स्कूल के नाम से डरेंगे। आपके बच्चों को संस्कारित और आत्मविश्वास से भरपूर मजबूत नींव का पत्थर बनाने की अभिनव कार्यशाला है गुरुकुलम शिक्षा संस्थान।
इस संस्थान में अपने बच्चे का एडमिशन कराने आज ही संपर्क करें 9458849449 और 9425144944। पता है बिजावर छतरपुर मार्ग, जसगुआ, बिजावर।